Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं द फैक्ट आई। एक बार फिर हमारा चैनल पहुंचा है डेरा सच्चा सौदा में। हम खड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के मेन गेट के बाहर। आज भी इतनी गर्मी में भी लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं। जानते हैं कि क्यों इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो इस जगह पर आते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कौर। आप कहाँ से हैं? मैं दिड़वा ब्लॉक से, संगरूर से। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? मैं MBA हूँ। कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं आप? शुरू से, बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, इस जगह पर आने का आज कोई खास रीजन? क्योंकि हम बचपन से ही यहाँ पे आते हैं, हमने तो कभी ऐसा गलत देखा नहीं यहाँ पे। मतलब टीवी पे, मीडिया पे दिखाते हैं कि वो सुरंग ऐसे है ऐसे है। मैं तो यहाँ पे स्टडी भी की है 2 साल, मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो जब हमारे साथ इतने चमत्कार होते तो हम क्यों ना फिर आएं डेरे, हमने तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है, तो हम किसी की क्यों सुने। यहाँ से जुड़ने के बाद आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, मतलब किस तरह की बातें आपने यहाँ से आने के बाद सीखी हैं? शुरू से सब कुछ सीखा है, किसी का, हर किसी का भला करो, किसी का बुरा ना करो, किसी की हेल्प करो, और भूखे को खाना दो, पैसे को पानी दो। गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया है यहाँ पर। तो आपने कहा कि आप वहीं के स्कूल्स में भी 2 ईयर पढ़े हैं, वहाँ का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा था, मतलब हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलती रही वहाँ से। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा का यहाँ का पढ़ने का। मतलब लोग बोलते हैं बाहर कि यहाँ पे हॉस्टल में ये होता है, बट मैंने तो कभी देखा नहीं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे। मैं तो बहुत अच्छी, यहाँ मेरे को स्टडी मिली, गुरुजी के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली यहाँ पे मेरे को। तो जैसे आपने कहा कि आप MBA हो, मतलब एजुकेटेड हो, जब इतना कुछ यहाँ हुआ था, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको लोग कह रहे हैं कि तो अंध भगत है, तो आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए इस जगह पर? बोलने तो जो बोलता है, हमने किसी से क्या लेना है, हमने अपने गुरु के लिए आना है यहाँ पे। हम तो ऐसे ही आएंगे, आते ही रहेंगे, हमने किसी से कुछ नहीं लेना, कोई माने ना माने, हम अपने गुरु के हैं, रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। तो क्या लगता है कितनी ज़रूरत है आज आपके गुरु के समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम गुरु जी को, क्योंकि वैसे संगत कोई नहीं कम हुई, बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन, बट फिर भी हमें गुरु जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान थोड़े बहुत वो गलत नशे वगैरह में डल गए हैं, इसलिए पिताजी को जल्दी से जल्दी आना चाहिए, हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या आप यूँ ही इसी तरीके से डेरा सच्चा सौदा में आते रहेंगे? या बिल्कुल श्योर, हम आते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेंगे। आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, उन लोगों का कहना है कि डेरे में सेफ्टी नहीं है, क्या कहेंगे? डेरे में सुरक्षा नहीं है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो, क्यों नहीं है सुरक्षा, सब जगह से ही सुरक्षा है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, मैं तो बचपन से आती हूँ यहाँ पे, जो आता है बोलने दो, कुत्तों को तो भौंकना ही होता है, कोई बात नहीं है, हम तो आते ही रहेंगे। थैंक यू। तो देखिए, आज का जो यूथ है, यूथ, नौजवान, जो आप एक तरफ अगर देखें दुनिया में तो बहुत सारे यूथ नशे में है, गलत रास्ते पर है, लेकिन ये यूथ ऐसा है जो आज भी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि हम यहाँ पर शुरू से आ रहे हैं, हमने कभी गलत होता नहीं देखा, तो हम कैसे बिलीव करें। सोचिए कि इन दोनों कहानियों में, मतलब एक वो लोग जो हम आपको जीवित सूत्र दिखा रहे हैं, एक वो सूत्र जो सिर्फ कल्पना में बनाए गए थे, इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? सोचिएगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द फैक्ट आई।